अस्सलाम टू व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला हर जायज़ ख्वाहिश आपकी पूरी करे। और जिससे वो कोई भी मुश्किल या परेशानी, कोई भी दुख या तकलीफ़ है तो अल्लाह पाक उसे अपना ख़ास रहम करम नाजिल करें, आमीन सुम आमीन। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ फ्रूट ट्रैफल। तो इसके लिए, इसको बनाना बहुत आसान है और उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से है कि मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और साथ में यहाँ बिरयानी बन रही थी, उसकी यखनी बन रही थी, मैंने आपको दिखा दी। मैंने तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है और ये मेरा नीडो है ड्राई मिल्क पाउडर, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपनी सेवैयाँ ऐड करेंगे। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो यहाँ पर देखें, हमारे दूध में बॉयल आ गया है और ये बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर, मेरे पास पास्ता सेवैयाँ हैं ये, तो मैं थोड़ी सी इसमें ही शामिल कर दूँगी और इसको इतना पकाएंगे कि सेवैयाँ अच्छे से गल जाएँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है ना। आप चाहें तो कलरफुल सेवैयों में डाल सकते हैं, मेरे पास यही थी तो मैंने यही डाल दी। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएँ। तो ये बहुत मज़े का बनता है, बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद है ये और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। तो यहाँ पर देखिए हमारी सेवैयाँ जो हैं पक रही हैं। सेवैयाँ हमारी जो हैं वो गल गई थी, तो अब इस पॉइंट पे मैं चीनी इसमें ऐड करूँगी। चीनी मैंने इसमें तकरीबन 6 टेबलस्पून डाली है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको भी मैं थोड़ा सा बॉयल दूँगी चीनी डालने के बाद, ताकि चीनी का कच्चापन भी निकल जाए और अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। जब कुछ जल्दी हो बनाने की तो आप ये बना सकते हैं, इसको बनाना बेहद ही आसान है और बहुत जल्दी से बन जाता है। यहाँ देखिए हमारी चीनी पक गई है अच्छी सी, दूध हमारा अच्छा सा बॉयल हो रहा है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने थोड़े से दूध में, ठंडे चिल दूध के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड इसमें ऐड किया है और इसको हम, एक्चुअली मैं रेसिपी वीडियो खुद ही बना रही थी इस वजह से मैंने एकदम से सब डाल दिया। वैसे आप इसको आहिस्ता आहिस्ता डालें और इसको चलाते रहें तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। और इसको डालने के बाद भी आप तकरीबन 1-2 मिनट पकाएं ताकि कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ना रहे। यहाँ पर देखें ये हमारा अच्छा सा पक गया है और मैं इसे पकने के बाद अच्छा सा ठंडा करूँगी, इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लेकर आऊँगी। देखिए हमें इतना गाढ़ा चाहिए ये। और जब तक ये ठंडा होगा मैंने यहाँ पर जेली तैयार कर रही हूँ डालने के लिए, और ये फ्रूट्स जो मैंने डालने हैं वो मैं कट करूँगी इसके अंदर। तो यहाँ पर ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो चुका है, देखें बिल्कुल ठंडा हो गया, ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है। यहाँ पर मैंने फ्रूट कट कर लिए, जिसमें मैंने 1 प्याला एप्पल लिए हैं, 1 प्याला मैंने मैंगो लिया है और 1 प्याला ही मैंने बनाना लिया है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को इसमें मिक्स कर दूँगी और मैंने थोड़े थोड़े से बचा लिए हैं इनमें से गार्निशिंग के लिए। यहाँ पे थोड़े से मेरे पास नट्स थे, इसमें काजू थे और पिस्ते थे, वो मैंने बारीक कट कर लिए हैं। थोड़े से हम ये शामिल कर देंगे इसके अंदर और थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। यहाँ पे मेरे पास चॉको चिप थे थोड़े से, मैंने इसमें वो भी ऐड कर दिए थे, बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत मज़े के लगते हैं ये कस्टर्ड के अंदर। अब हम अपनी जेली कट करेंगे, छोटे छोटे पीस कट करने हैं और इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। और थोड़ी सी हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए जेली को अपनी। मैंने यहाँ पर ग्रीन ली है, आप चाहें तो कोई और फ्लेवर ले सकते हैं। अब इसे हम सर्विंग ग्लास में डालेंगे, तो हम इसको पहले फिल कर लेंगे ग्लासों को अपने कस्टर्ड से। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों ग्लास फिल कर लिए हैं। अब इस पे हम थोड़े से मैंगो,
थोड़े से बनाना और थोड़े से एप्पल इस पर गार्निश करेंगे। ये इतना जल्दी इतना क्विक बना था और इतने मज़े का बना था, जिसकी कोई मतलब बहुत मज़े का बना था। बच्चों ने बड़ों ने सबसे सबने शौक से खाया था और ये हमारा एक ही टाइम में ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पे मैं थोड़े से बनाना और इस पर एप्पल ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैं इस पर जैली गार्निश करूँगी। थोड़े से मैंने इस पे चॉको चिप डाल दिए हैं। और आखिर में इसके अंदर हम थोड़े से नट्स डाल देंगे, गार्निश कर देंगे। तो ये है जनाब हमारे फ्रूट ट्रैफल की बेहतरीन और ज़बरदस्त फाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़े का, बहुत ही शानदार बना था। अगर आप लोग मेरी रेसिपी को इस तरह ट्राई करेंगे तो आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ जाएं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।